अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की मुख्तलिफ बैंक से सऊद रियाल का ताज़ा तरीन रेट्स लेकर आप बैंक की खिदमत में हाजिर हूँ। आज 7 मार्च 2022 और पीर का दिन है। अगर आप रियाल चेंज करना चाहते हैं या अपने मुल्क को बज़रिया बैंक इरसाल करने का इरादा है तो ये वीडियो देखिए ताकि आपको रेट का पहले से अंदाज़ा हो और इत्मीनान से डीलिंग करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद पर ताज़ा करेंसी रेट्स और दूसरी मालूमाती वीडियो शेयर करते हैं जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अब आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज हम शुरुआत एनसीबी क्विक पे से करेंगे। तो एनसीबी क्विक पे पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 46.36 रुपये का, इंडिया के लिए 19.93 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.69 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.76 रुपये। अगर बात हो जाए यूआर पे ऐप का, तो यूआर पे पाकिस्तान के लिए आज एक रियाल का रेट देता है 46.97 रुपये का, इंडिया के लिए 19.94 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.88 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 32.10 रुपये का। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं फौरी बैंक के बारे में। तो फौरी बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 46.83 रुपये का, इंडिया के लिए 19.88 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.80 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.95 रुपये का। अगर हम बात करें वेस्टर्न यूनियन के बारे में, तो वेस्टर्न यूनियन पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 46.86 रुपये का, इंडिया के लिए 19.96 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.81 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.26 रुपये का। इसके अलावा बारी आती है एसटीसी पे का। तो एसटीसी पे पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 46.72 रुपये का, इंडिया के लिए 19.89 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.72 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 32.26 रुपये। तो दोस्तों, इसके अलावा हम बात करने वाले हैं इंजाज बैंक के बारे में कि वो क्या रेट दे रहा है। तो इंजाज बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 46.70 रुपये का, इंडिया के लिए 19.98 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.88 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.34 रुपये का। अगर बात हो जाए एएनबी टेलीमनी का, तो एएनबी टेलीमनी पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 46.99 रुपये का, इंडिया के लिए 20.02 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.96 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 32.26 रुपये। अगर हम बात करें अलराजी बैंक के बारे में, तो अलराजी बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 46.46 रुपये का, इंडिया के लिए 19.88 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.81 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 32.31 रुपये का। इसके अलावा बारी आती है सऊदी इरसाल का। तो सऊदी इरसाल पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 46.52 रुपये का, इंडिया के लिए 19.79 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.63 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.73 रुपये। अगर हम बात करें एक्सप्रेस मनी के बारे में, तो एक्सप्रेस मनी पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 47.11 रुपये का, इंडिया के लिए 19.87 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.86 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 32.16 रुपये। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं मनीग्राम के बारे में। तो मनीग्राम पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 46.39 रुपये का, इंडिया के लिए 19.91 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.78 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.33 रुपये का। अगर बात हो जाए रियाद बैंक का, तो रियाद बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 46.78 रुपये का, जबकि इंडिया के लिए 19